कैसे आए हीमाराम चौधरी और पायलट एक दूसरे के करीब? कभी गहलोत के करीबी रहने वाले हीमाराम चौधरी कैसे हो गए उनसे दूर? कैसे मजबूत हुआ पायलट और हीमाराम का गठजोड़? नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। 6 मई को सचिन पायलट मंत्री हीमाराम चौधरी के बेटे प्रिंस चौधरी की याद में बनवाए गए हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इसी बेटे की वजह से मंत्री हीमाराम चौधरी और पायलट एक दूसरे के करीब आए। दरअसल 2015 में हीमाराम चौधरी के बेटे वीरेंद्र चौधरी का निधन हो गया था, जिसे लेकर पायलट मंत्री हीमाराम को सांत्वना देने पहुंचे थे, लेकिन सीएम गहलोत हीमाराम के आंसू पोंछने तक नहीं गए। कभी गहलोत के करीबी रहने वाले हीमाराम इस घटना के बाद उनसे दूर हो गए। दोनों के बीच दूरियां ऐसी बढ़ी कि 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गहलोत ने हीमाराम की बजाय बायतु विधायक हरीश चौधरी को राजस्व मंत्री बना दिया। इसके बाद 2020 में मानेसर एपिसोड के समय जोधपुर संभाग से केवल हीमाराम चौधरी ही थे जो पायलट के साथ खड़े थे। इतना ही नहीं, हीमाराम तो पायलट गुट के उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, जिसके बाद सीएम गहलोत को अपने विधायकों को लेकर जैसलमेर तक जाना पड़ा। इसके बाद जब ये सियासी संकट खत्म हुआ तो पायलट की सिफारिश पर ही हीमाराम को वन मंत्री बनाया गया। तब से लेकर आज तक हीमाराम चौधरी और पायलट का गठजोड़ ऐसा कि पायलट पर कोई आ जाए तो मंत्री हीमाराम उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मंत्री हीमाराम हर बार कहते हैं राजनीति में युवाओं को मौका देना चाहिए। इसी बात को कहते हुए वो सचिन पायलट को सीएम बनाने की पैरवी करते नजर आते हैं। वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि इस बार वो गुड़ा मलानी से चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन वन मंत्री हीमाराम चौधरी और पायलट के रिश्ते में राजनीति पर संवेदना भारी पड़ी है। अब उस समय जो संवेदना पायलट ने मंत्री हीमाराम को दी, उसकी वजह से दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ। कहा भी जाता है कि कोई किसी की खुशी में शामिल ना हो तो चल जाता है, लेकिन गम में शामिल होना बेहद जरूरी है। और शायद हीमाराम चौधरी और पायलट का रिश्ता उसी संवेदना की नींव है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।